भाई कुमार भाई अच्छा कथा करने में बहुत बढ़ा रहे विदिशा में विशाल नेत्र शिविर 160 मरीजों की हुई जांच। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के पठारी नगर में सदगुरु संकल्प नेत्र चिकित्सालय आनंदपुर द्वारा पिछले कई वर्षों से लगातार निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में बीते मंगलवार को दिगंबर जैन पाठशाला में सकल जैन समाज द्वारा विशाल नेत्र शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सबसे पहले आचार्य विद्यासागर महाराज के छाया चित्र के सन्मुख दीप प्रज्वलित कर शिविर का शुभारंभ किया गया। इस शिविर में 160 मरीजों का पंजीयन किया गया। इनमें से 100 मरीजों को निःशुल्क दवा वितरण की गई, 19 मरीजों को मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चिन्हित किया गया, वहीं 41 मरीजों की आँख की जाँच का चश्मा बनाने के लिए नंबर दिए गए। जाँच शिविर में मानव अधिकार सुरक्षा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर ए के जैन, जिला अध्यक्ष रमेश राम रघुवंशी, वरिष्ठ समाज सेवी सुनील बाबू पिंगले सहित काफी तादाद में लोग उपस्थित रहे। सकल जैन समाज द्वारा आयोजित नेत्र शिविर में सराहना करते हुए डॉक्टर ए के जैन ने कहा कि मानवता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। पठारी की सकल जैन समाज ने सदगुरु सेवा प्रेस टीम से अनुरोध किया है कि हमारे क्षेत्र में गरीब मजदूर नागरिक अधिक हैं जो इलाज कराने में सक्षम नहीं है, इसलिए इस तरह के शिविरों का आयोजन प्रत्येक 2 माह में किया जाना चाहिए। जिस पर सदगुरु सेवा ट्रस्ट के सदस्यों ने कहा कि हम हर 2 माह में पठारी में एक शिविर का आयोजन कराएंगे। इस दौरान पठारी सकल जैन समाज द्वारा सदगुरु सेवा ट्रस्ट के डॉक्टरों का सम्मान किया गया, जिसमें डॉक्टर गोलू सेन, डाल सिंह जालौन, घनश्याम पटेल, प्रमोद यादव, मिलन यादव, रवि धाकड़ आदि स्टाफ का सकल जैन समाज एवं वरिष्ठ जनों ने श्रीफल के साथ सम्मान किया। इस दौरान जैन समाज के अध्यक्ष राकेश सिंह, विनय चौधरी सहित कई समाज सेवी जन मौजूद रहे। विदिशा से आशीष सहेली की रिपोर्ट, बने रहे द खबरदार न्यूज के साथ। श्रीमान गणेश राम जी नरवल जी अध्यक्ष महानगरिका पक्ष एवं स्वास्थ्य प्रभाग का स्वागत कर रहे हैं। श्रीमान भैया सिंह जी यादव हटाए श्री मिलन बघेल जी के समक्ष श्री जनवेल सिंह जी जी करेंगे। पत्रकार पढ़ाई